हेलो फ्यूचर डॉक्टर्स, माइसेल्फ एफटी सौमिक दत्त, गवर्नमेंट एमबीबीएस स्टूडेंट फ्रॉम वेस्ट बंगाल। आज के पहले वीडियो में मैंने बताया था नीट 2024 पर असम में, बिहार पर, उत्तर प्रदेश पर कट ऑफ कितना जा सकता है। इस वीडियो में तुम जानोगे पंजाब में कितना मार्क्स, कितना रैंक से तुमको एमबीबीएस कॉलेज, गवर्नमेंट एमबीबीएस कॉलेज मिल जाएगी। ये ओनली गवर्नमेंट एमबीबीएस कॉलेज के लिए है, तुमको मिल जाएगा। ओके, हाँ, जिन लोगों का अच्छा मार्क्स मिला है उसको तो मिल जाएगा। और उसके साथ तुमको एक अच्छा प्रिपरेशन करना पड़ेगा, किस लिए? नीट पीजी के लिए। नीट पीजी के लिए जब तुम एक अच्छा सा प्रिपरेशन करोगे, बहुत सारे इंस्टीट्यूशन है लाइक डर्म्स है, लाइक मैरो है, प्रेपलेटरी, ये सब तुमको कहाँ से पढ़ना होगा, कहाँ से पढ़ना, तुमका अच्छा पीजी में रैंक तुम कर सकते हो, वो मैं तुमको बताऊँगा वीडियो के एंड में। वीडियो तो पूरा देखो। नीट पीजी में 2023 पर स्कोर कितना गया था, जो जनरल था उसके लिए 4107 है, 41,000 जिसको रैंक मिला था 2023 पर, 581 स्कोर पर उसको गवर्नमेंट एमबीबीएस पंजाब से मिल गया होगा। ओबीसी के लिए 5911559,000 जिसको मिला था, 556 स्कोर पर उसको मिल गया है। हाँ, तुमको एक बताना चाहता हूँ एज ए योर सीनियर, जो तुम लोग हैं ऑल इंडिया कोटा से भी तुम तो काउंसलिंग कर रहे हो। हाँ, बहुत तो तुम मिलेगा, बहुत को नहीं मिला। हाँ, मैं ये बताना चाहता हूँ ऑल इंडिया कोटा से मुकाबले तुम स्टेट में काउंसलिंग करो, और इतना तुम ऑलरेडी जान चुके हो वेस्ट बंगाल में क्या हुआ है, इन फ्यूचर भी कुछ भी हो सकता है, तो कुछ पता नहीं। तो बहुत ज़्यादा अच्छा होगा अगर तुम अपने ही स्टेट में कॉलेज लो। हाँ, अपने स्टेट में कॉलेज लो, हॉस्टल है ये बात, तुम्हारे घर के आसपास जो मेडिकल कॉलेज है उसमें एडमिशन लेना। मेडिकल कॉलेज में तुम कौन सा मेडिकल कॉलेज में पढ़ते हो ज़्यादा कोई मायने नहीं रखता, ये तुम बात दिमाग में डाल लो, कोई ज़्यादा कोई मायने नहीं रखता। जितना ज़्यादा तुम्हारे घर के पास होगा तो तुम डेली जा भी सकते हो, आ भी सकते हो, जिसको डेली डे स्कॉलर बोलते हैं वो कर लो, वो बेहतर होगा। और अगर बहुत दिक्कत है तुम हॉस्टल में रह सकते हो। हाँ, मैं ये बोलूँगा तुम स्टेट के अंदर ही रहो, अलग स्टेट में जाने का कोशिश बिल्कुल मत करो, वो बहुत ज़्यादा फ्यूचर में प्रॉब्लम होगा, फ्यूचर में ही तुमको बहुत प्रॉब्लम दिक्कत होगा। अब देखते हैं ईडब्ल्यूएस के में कितना कट ऑफ गया था, 49,581 जिसको 569 मिला था उसको मिल गया था। एससी के लिए 2,02,411 जिसको मार्क्स स्कोर रैंक मिला था और 420 स्कोर पर मिल गया होगा। और फिजिकली हैंडीकैप का तुम जानते हो बहुत एकदम कम जाता है, 10 लाख पे 125 मार्क्स पर मिल गया होगा। अब ये एक बात तुम अच्छे से जान लो, जो तुम लोगों को एमबीबीएस मिल रहा है एमबीबीएस तुम ले लो, ऐसा नहीं तुम लोग बहुत सारे तुम ये लोग सोचते हो ये बीडीएस ले लूँगा, एमएससी कर लूँगा, बीएससी कर लूँगा, भाई ऐसे ऐसे मत करो। तुम एक अच्छा सा एमबीबीएस कॉलेज लो और नीट के लिए प्रिपरेशन करो। नीट एक बात अच्छे से सुन लो, जब तुम नीट के लिए, जिसको नहीं होगा मैं उसके लिए बात कर रहा हूँ, जो नीट के लिए प्रिपरेशन कर रहे हो, जिसको लगता है इसी साल नहीं होगा तो तुम प्रिपरेशन के कंटिन्यू रखो। उसके साथ अगर तुमको कोई बीडीएस कॉलेज मिल रहा है, कोई बीआईएचएमएस कॉलेज मिल रहा है, उसके लिए एक हाथ पर एक कॉलेज रख के रखो, क्योंकि तुमको पता है कट ऑफ और स्टूडेंट बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ हो रहा है, तो इंटेलिजेंस लेवल भी बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ हो जाएगा सबका, तो मार्क्स और कट ऑफ ऑटोमेटिकली नेक्स्ट साल और ज़्यादा बढ़ेगा, ये तुम दिमाग में डाल दो। और एक बात तुम अच्छे से याद रखो, जो तुम ये जो कट ऑफ मार्क्स है ना वो तो इंक्रीज़ होता रहेगा, ये कुछ भी कर गए तुमको अच्छे से परफॉर्म करना पड़ेगा, ये बहुत ज़रूरी है। उसके लिए तुमको प्रैक्टिस करना करो, जो नीट 2025 के लिए हो। प्रैक्टिस कहाँ से करोगे? प्रैक्टिस करने के लिए तुम ये देखो, मेरा जो टेलीग्राम चैनल है ये तो पहले तुम यूट्यूब में सब्सक्राइब कर दो, क्योंकि वीडियो बहुत अच्छा अच्छा वीडियो आने वाला है। और टेलीग्राम चैनल में ज्वाइन कर लो। क्यों ज्वाइन करोगे? क्योंकि यहाँ मैं डेली, मेरा जो प्राइवेट ग्रुप है नीट का, जिसका ऑलमोस्ट 20,000 स्टूडेंट है, वहाँ तुम क्वेश्चन प्रैक्टिस कर सकते हो ऑलमोस्ट 24 आवर्स फॉर फ्री, एंड जो बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होगा। ये जो लिंक है मैंने डिस्क्रिप्शन पर और मैंने पिन कमेंट पर दे दिया, उसको ज़रूर से ज़रूर ज्वाइन कर लो अगर तुम सीरियस नीट एस्पिरेंट हो तो। ओके, अब नीट 2024 पर क्या कट ऑफ जा सकता है? ऑलमोस्ट 43,000 जा सकता है, 632 जिसको स्कोर मिला है उसको गवर्नमेंट एमबीबीएस मिल जाएगा। ओबीसी के लिए 61,000 जिसको 614 मार्क्स मिला है उसको अच्छे कॉलेज, गवर्नमेंट अच्छे कॉलेज मिल जाएगा। ईडब्ल्यूएस के लिए 50,000 625 स्कोर जो किया उसको अच्छा कॉलेज मिल जाएगा। हाँ, ये अब एक बात तुम अच्छे से सुन लो, जो नीट जो तुम लोगों जिसको एमबीबीएस कॉलेज मिल गया,
जिसको तुम लोगों को MBBS कॉलेज मिल गया उसको तो एक प्रिपरेशन चाहिए। क्यों प्रिपरेशन चाहिए? नीट पीजी के लिए। नीट पीजी के लिए मेरे पास मैरो और प्रेपलाडर दोनों का कोर्स है। मैं प्रेपलाडर को प्रमोट कोई लर्न नहीं कर रहा हूँ क्योंकि मुझे इनसे कोई पैसा नहीं मिल रहा। मैं तुमको ये बताना चाहता हूँ कि प्रेपलाडर ज़्यादा अच्छा है। क्योंकि ज़्यादा अच्छा है क्योंकि तुमको जैसा NCERT तुम पहले तो पढ़े तो लाइन बाई लाइन पढ़े तो वैसा ही प्रेपलाडर भी सेम है। प्रेपलाडर तुमको कॉन्साइज वे में तुमको पढ़ाएगा। एंड रैपिड रिविजन एक है। रैपिड रिविजन में क्या कर सकते हो तुम पूरा MBBS के सिवा बहुत कम टाइम में तुम रिवाइज कर सकते हो। ये बहुत ज़्यादा बेहतरीन बात है। एंड उसके साथ जो रैपिड रिविजन होगा वो रैपिड रिविजन का नोट्स तुम खरीद सकते हो। और यहाँ तो डिस्काउंट तो अच्छा मिलता है। यहाँ तुम डिस्काउंट अच्छे से अच्छे पाने के लिए और देखो एक्स्ट्रा 12,000 जिसको डिस्काउंट चाहिए उसके लिए तुम मुझे मैसेज करो। कहाँ मैसेज करोगे? टेलीग्राम पर। मैंने लिंक मैसेज करने का लिंक देखो मैं डिस्क्रिप्शन में दे दिया। नहीं प्रेपलाडर ऐसा करके तुम डायरेक्ट तुम मेरे से बात कर सकते हो। अब देखो जो 9 मंथ का कोर्स है, 12 मंथ का कोर्स है, 18 मंथ का कोर्स है, 2 ईयर का है, 36 मंथ का है, 4 ईयर का है, 5 ईयर्स का है, 6 ईयर्स का है। और सब में तुमको 60 डेज का एक्स्ट्रा वैलिडिटी मिलेगा। सब में 60 डेज की वैलिडिटी में तुम कैसे यूज़ करोगे तुमको दिखा देता हूँ मैं। लाइक ये प्रेपलाडर का वेबसाइट है एंड तुमको 6 मंथ 9 मंथ 1 ईयर तुम ऐसे सोचो तुम 6 ईयर का कोई 6 मंथ का कोई कोर्स लेने वाले हो। एंड उसके लिए तुम यहाँ कूपन कोड में जाओगे, जाके मेरा कोड यूज़ करो BUSNNSQ। ये कोड यूज़ करो, अप्लाई कर दो। अप्लाई करने के बाद तुमको एक डिस्काउंट मिलेगा। और जो डिस्काउंट मिलेगा वो डिस्काउंट ऑनलाइन में जब करोगे तुम मेरे से बात करने के बाद करोगे क्योंकि बात करने के बाद तुम जब करोगे मैं तुमको और एक्स्ट्रा तुम जब कोर्स खरीद लोगे कोर्स खरीदने के बाद तुमको मैं यार एक्स्ट्रा कुछ UPI के थ्रू डायरेक्ट कैशबैक कर दूँगा। वो मेरे तरफ से होगा। हाँ, इसके लिए तुमको मेरे से बात करके करना होगा वरना तुमको नहीं मिलेगा। और अदर कोई भी तुमको डाउट है तो मैं तुमको हेल्प कर सकता हूँ। ओके, हाँ, नीट 2024 पर जो AC है उसके लिए 215,000 जिसको मिला है, 493 जिसको स्कोर हुआ है उसको मिल जाएगा। और फिजिकली हैंडीकैप के लिए तो रैंक जाता ही बहुत ज़्यादा, 11 लाख गया था, 11 लाख हिस्सा जाएगा ऑलमोस्ट एंड 170 पर मिल जाएगा। हाँ ये बात है, जिसको अगर पहले भी कोई फिजिकली हैंडीकैप 30 रैंक के पहले हैं ऐसा कोई नहीं था, 11 लाख पर ही मिलेगा, कट ऑफ रहेगा। कम अगर 8 लाख पर क्लोज हो जाता है तो 8 लाख पर ख़त्म हो जाएगा क्योंकि ये इस बार डेंसिटी बहुत ज़्यादा है स्टूडेंट का। तो ये अच्छे से जान लो। और एक बात अच्छे से जान लो, जब नहीं 24 में जिसको कॉलेज मिल रहा है तो ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश करो अपना स्टेट में ही रहने का। दूर ऑल इंडिया कोटा से दूर स्टेट में जाने का कोशिश बिल्कुल मत करना, ये तुम्हारा एक गलती होगा। हाँ, ऑल इंडिया कोटा से अपने स्टेट पर ट्राई करते रहो। और जिसको नहीं एडलास नहीं मिल रहेगा तो तुम स्टे राउंड तक वेट करो, अच्छा रैंक हो तो तुमको मिल जाएगा। हाँ, जो नी 2025 के लिए प्रिपेयर कर ले हो तो मेरा जो टेलीग्राम चैनल है मैंने लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दिया, वो ज़रूर ज्वाइन कर लेना। डायरेक्ट मेरे से तुम बात कर सकते हो। बहुत सारा क्वेश्चन है जो मैंने ऑलरेडी 2020 से बना रहा, ऑलमोस्ट 4 साल हो गया। तुम फ्री में सब कुछ एक्सेस कर सकते हो। इसके लिए तुमको डिस्क्रिप्शन में ज्वाइन करना होगा। और ऐसा करता हूँ, तुमको वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो लाइक कर देना, कमेंट कर देना, शेयर कर देना, कहाँ से वीडियो देख रहे हो वो भी बोल देना। और इसके बाद मैं चैप्टर वाइज 1 शॉट वीडियो लाने वाला हूँ, कैसे क्या पढ़ना होगा वो मैं बताने वाला हूँ। उसके लिए चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर देना आज के वीडियो अभी तक। तो बेस्ट विशेस फॉर योर काउंसलिंग। बाय बाय।